मुख्य लड़ाई जो है लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की है। और चूंकि भाजपा मांग कह रही है कि हम लोग 400 पार करेंगे, अब 400 पार करने का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, SC ST OBC को खतरा है। इस मामले में आपको सब देख लेना चाहिए। और इसलिए हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि अभी भी समय है, क्योंकि बैलेट पेपर से आसानी से चुनाव हो सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर छपना जिले में हो जाता है और बैलेट बॉक्स भी जिले में बन जाएगा और डेट ऑफ विड्रॉल के बाद ही बैलेट पेपर छपता है, तो बड़ी आसानी से बैलेट पेपर चुनाव किया जा सकता है। और जितना सरकार का खर्चा ईवीएम से होता है, उसका 50% कम खर्चे में बैलेट पेपर चुनाव हो सकता है। मुख्य लड़ाई जो है लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की है। और चूंकि भाजपा मांग कह रही है कि हम लोग 400 पार करेंगे, अब 400 पार करने का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान को खतरा है, आरक्षण को खतरा है, SC ST OBC को खतरा है। इस मामले में आपको सब देख लेना चाहिए। और इसलिए हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि अभी भी समय है, क्योंकि बैलेट पेपर से आसानी से चुनाव हो सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर छपना जिले में हो जाता है और बैलेट बॉक्स भी जिले में बन जाएगा और डेट ऑफ विड्रॉल के बाद ही बैलेट पेपर छपता है, तो बड़ी आसानी से बैलेट पेपर चुनाव किया जा सकता है। और जितना सरकार का खर्चा ईवीएम से होता है, उसका 50% कम खर्चे में बैलेट पेपर चुनाव हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।